पशूनां पशीनं पापनाशं परिशं गजेन्द्रस्य कृत्रिं वसानं वरेण्यम्। पशूनां पशीनं पापनाशं परिशं गजेन्द्रस्य कृत्रिं वसानं वरेण्यम्। जटाजूटमध्ये स्फूर्वाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। पशूनां पशीनं पापनाशं परिशं गजेन्द्रस्य कृत्रिं वसानं वरेण्यम्। पशूनां पशीनं पापनाशं परिशं गजेन्द्रस्य कृत्रिं वसानं वरेण्यम्। जटाजूटमध्ये स्फूर्वाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। महेशं सुरेशं पुरारात्रिनाशम् विभुं विश्वनाथं विभूतघ्नभूषम् विदुपाक्षमिन्दुं कवित्रिनेत्रम् सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम्। जी सब ठीक है भैया। सूरज भैया, चंदर भैया, आकाश भैया, अपनी बलवान कलाइयों पे राखी बनवाने के लिए तैयार हो जाइए। भगवान अमरनाथ तुम्हारी सदा रक्षा करे। बेटा, तेरे पिताजी की मृत्यु के बाद भगवान शिव ही तो हमारा सहारा है। माँ, आपकी शिव भक्ति और सोमवार के व्रत ने हमारी कुटुंब की नैया को डूबने से बचाया है। सूरज भैया, पढ़ाई में इतना तेज होने के बावजूद आप पढ़ाई छोड़कर खेती बाड़ी में लग गए। मुझे शहर पढ़ने भेज दिया और आकाश भैया को फौज में। अब ये भी कम बड़ा बलिदान नहीं है भैया। भगवान शिव की कृपा, माँ आपकी तपस्या और सूरज भैया की कड़ी मेहनत और बलिदान से ही तो ये कुटुंब आज हर तरह से सुखी है। और मेरी रक्षाबंधन की शुभकामनाओं की कोई कीमत नहीं। मैं भगवान की कृपा को तुम्हारी कलाइयों पर बांधकर तुम्हारी उन्नति की सदैव कामना करती आई हूँ। अरे पगली, कौन कहता है तेरी राखी की कोई कीमत नहीं? तेरी राखी से ही शक्ति पाकर तेरे तीनों भाई प्रगति कर रहे हैं। पूजा, ये ले तेरा शगुन। सूरज भैया, ये आपके हाथ में छाले कैसे पड़ गए? कौन से छाले? मुझे नहीं पता, तू अपना शगुन संभालना। नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि ये छाले कैसे पड़े। अरे बाबा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है सूरज भैया। देखो चंदर। सूरज भैया प्लीज, रक्षाबंधन के दिन में झूठ नहीं बोल सकता। सच तो ये पूजा के तुझे शगुन का ये तोहफा देने के लिए सूरज भैया खेतों में खुद दिन रात मजदूरों की जगह काम करते रहे, तो हाथों में छाले तो पड़ने थे। खैर, ये ले मेरी तरफ से तेरा शगुन। चंदर, अब लगे हाथ ये भी बता दे कि ये ड्रेस खरीदने के लिए तुझे कितने दिन भूखा रहना पड़ा। भूखा? क्या क्या चंदर, मैं भी तेरी तरह हकीकत ही कह रहा हूँ।
पूजा, ये ड्रेस खरीदने के लिए चंदन ने कॉलेज की कैंटीन में 4-5 दिन तक खाना नहीं खाया। अरे नहीं नहीं पूजा, अरे भैया ये खुशी के मौके पर ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो? ये लो मेरी प्यारी बहना, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्यारा सा तोहफा। ऐसे क्या दिख रही हो? अब मैंने इन दोनों की तरह कोई त्याग नहीं किया है, ले ले। फौज में रहने के बावजूद भी तू झूठ बोलता है। फौज के मेहनताने को बचा बचा कर तूने इस तोहफे को खरीदा, ये सच क्यों नहीं बताता? ओ माँ तुम भी, ये ले रख ले। हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा, हे अमरनाथ, मेरे बच्चों के बीच ऐसा प्रेम भाव सदा ही बनाए रखना प्रभु। बेटा मैंने भगवान अमरनाथ का व्रत रखा है और आज रक्षाबंधन के दिन संयोग से मेरे व्रत का अंतिम सोमवार है। व्रत के अनुसार हमें भगवान अमरनाथ के दर्शन के लिए जाना होगा और लड्डुओं का प्रसाद भी बांटना होगा। जैसी तुम्हारी आज्ञा माँ। बेटा 5 साल पहले तुम्हारे पिताजी ने मुझे कश्मीर के अमरनाथ बाबा का दर्शन कराया था और अब मैं गुजरात के अमरनाथ धाम के दर्शन करना चाहती हूँ। माँ हम कल ही चलेंगे बस। बेटा भगवान शिव सदैव तुम्हारी रक्षा करें। तीर्थ प्यारा अमरनाथ धाम, धाम गुजरात में ललित ललाम। जय अमरनाथ, जय भोलेनाथ, देवों के देव नाथों के नाथ। तुमको प्रणाम, तुम्हारे धाम को प्रणाम। तुमको प्रणाम, तुम्हारे धाम को प्रणाम। तीर्थों में तीर्थ प्यारा अमरनाथ धाम, गुजरात में ये ललित ललाम। नहीं ऊंचे पर्वत चढ़ पहुँचे जाओ होते होते शाम, धाम तक पहुँचे जाओ होते होते शाम। जय अमरनाथ, जय भोलेनाथ, देवों के देव नाथों के नाथ। तुमको प्रणाम, तुम्हारे धाम को प्रणाम। तुमको प्रणाम, तुम्हारे धाम को प्रणाम। तीर्थों में तीर्थ प्यारा अमरनाथ धाम, धाम गुजरात में ये ललित ललाम। निर्मित है पत्थर की गुफा में स्थापित है। ऊंचाई देख महाशिव की, धरती पुल कितना भूगर्वित है। धरती पुल कितना भूगर्वित है। स्थान मनोहर शोभा नैना बिरा, देवों के देव नाथों के नाथ। तुमको प्रणाम, तुम्हारे धाम को प्रणाम। तुमको प्रणाम, तुम्हारे धाम को प्रणाम। तीर्थों में तीर्थ प्यारा
अमरनाथ धाम धाम गुजरात में ये ललित लला देते अमरनाथ जय अमरनाथ पतिवान को पति देते अमरनाथ जय अमरनाथ पहले शुभ दंपति मिलाते फिर दंपति को संतति देते द्वार बंद कर कभी न सोते अमरनाथ जय अमरनाथ बारह महीने दर्शन होते अमरनाथ जय अमरनाथ लौटते हैं वो हंसते हंसते आते हैं जो रोते रोते अमरनाथ से प्यार करें व्रत उनके पांच सोमवार करें संकट के भवर में अटका हुआ प्रभु उनका बेड़ा पार करें पट जाओ शुभ फल लेट जाओ ना अमरनाथ जय भोलेनाथ देवों के देव नाथों के नाथ तुमको प्रणाम तुम्हारे धाम को प्रणाम तुमको प्रणाम तुम्हारे धाम को प्रणाम तीर्थों में तीर्थ प्यारा अमरनाथ धाम धाम गुजरात में ये ललित लला अमरनाथ की आरती सहित गाते जो प्रेम सहित गाते अमर अजर अविनाशी अमर अजर अविनाशी अक्षय पद पाते ओम जय शिव ओंकारा कश्मीर में बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करते हुए मुझे जो दिव्य अनुभूति हुई थी बस वैसी ही दिव्य अनुभूति यहाँ के बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करते हुए हो रही है। मैं तो ये मानता ही नहीं था कि गुजरात की गर्म आबोहवा में भी अमरनाथ जी के बर्फ के शिवलिंग के दर्शन होंगे। यही तो गुजरात के अमरनाथ भगवान का चमत्कार है छोटे बेटा। ये चमत्कार नहीं, ये सचमुच बर्फ का शिवलिंग है। हा? देखो। अरे अरे हाँ माँ, ये तो सचमुच बर्फ का शिवलिंग है। हाँ, भगवान अमरनाथ जी की कृपा अपरंपार है। भगवान अमरनाथ जी की जय। भगवान अमरनाथ जी की जय। अमरनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों, भगवान अमरनाथ की कृपा से यह विश्व की प्रथम श्रेणी की प्रदर्शनी का निर्माण हुआ है, जिसे देखकर आपको हमारी संस्कृति का महत्ता, दिव्यता, भव्यता और श्रेष्ठता का परिचय होगा। मुझे तो ये प्रदर्शनी बहुत ही अच्छी लगी। हमारे धर्म और संस्कृति के बारे में जो अमूल्य ज्ञान इस प्रदर्शनी में देखने को मिलता है, मुझे नहीं लगता विश्व के किसी भी मंदिर में देखने को मिलेगा। भारतीय एनिमेट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी से धर्म और विज्ञान का समन्वय करने वाली ये विश्व की सबसे पहली प्रदर्शनी है भैया। सही कहा। पर माँ, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवती अंबिके जब बोल रहे थे ना, तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे जैसे हमारे सामने खड़े हैं। और छोटे, सच कहूँ ना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। संस्कृति दर्शन में आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग और नरक का ज्ञान हमें सहज ही मिलता है। ऐसी प्रदर्शनी से ही तो हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। माँ,
मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। चलो ना। हाँ भाई चलो खाना खा लेते, और वैसे भी मुझे और छोटे को आज ही वापस जाना है। हम चले चले भैया। माँ माँ माँ, चंदर की चिट्ठी आई है। क्या लिखा है? माँ चंदर बीएससी में फर्स्ट आया है। सूरज ये तेरी ही तपस्या है। क्या माँ, माँ तपस्या करे चंदर और तप मेरा। हाँ बेटा मैं जानती हूँ ये तेरा ही तप है। सुन रहे हो ना सूरज के पापा, आपका चंदर पास हो गया। सच माँ, चंदर भैया पास हो गए? हाँ बेटा, शिव जी की कृपा से तेरा भाई पास हो गया। माँ ये आपकी तपस्या है जो फल दे रही है। अरे नहीं सच है माँ। अच्छा माँ मैं चलता हूँ, दूध लाना है और खेत में पानी भी देना। अरे जरा जल्दी आना, प्रसाद चढ़ाना है। अच्छा माँ। सुशीला तुझे और कोई काम तो है नहीं, जब देखो पीछा करती रहती है, थोड़ी शर्म कर, सारा दूध गिरा दिया। ओ ले 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 ले, बड़ा शर्मीला स्वभाव है। आप एक लड़की के प्यार को समझ ही नहीं पाते, कैसे मर्द है। देख सुशीला, मेरी माँ ने मुझे समझाया है कि बिन ब्याही लड़की से ज्यादा बात नहीं करते। और जो लड़की आपसे शादी करना चाहती है उससे तो बात कर ही सकते है ना। अच्छा तो तू मुझसे शादी करना चाहती है? जी शिव जी की कसम, मैं मेरे इस शिव जी की पार्वती बनना चाहती हूँ। क्या हुआ, उदास क्यों हो गए? मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं सुशीला ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचने लग गया था। मुझे अपना घर छुड़ाना है, पूजा के हाथ पीले करने हैं, अपने दोनों भाइयों को बहुत बड़ा आदमी बनाना है। अरे मैं तुझे खुशखबरी देना तो भूल ही गया, अपना चंदर बीएससी में फर्स्ट क्लास पास हो गया है। हे बेब उर्रे, हे बेब उर्रे, हे बेब उर्रे, हे बेब उर्रे। अरे यार तूने तो टॉप में आकर हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर दिया, पार्टी तो देनी पड़ेगी। हमारा दोस्त कॉलेज में सबसे होशियार है, सारे प्रोफेसर भी तुम पे गर्व करते हैं यार। अरे वो देखो हमारे इस दोस्त के बाद जो दूसरे नंबर पर आई है वो है आज की नारी मिस। अरे नारी नहीं यार, मॉडर्न लड़की है। देखो दोस्तों इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाते, ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमें श्रद्धा का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर आज हमारे देश की लड़कियां पढ़ लिख कर आगे आई हैं तभी हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल हुआ है। मैं तुम्हें ही मिलने आई थी, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्या आप अपने दोस्तों को पार्टी दे रहे हैं? जी नहीं, मेरा भाई खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ा रहा है, मैं ये फजूल खर्च नहीं कर सकता। हाँ लेकिन इस खुशी में मैं भगवान अमरनाथ जी के दर्शन करने जरूर जाऊंगा। आज के इस युग में आप जैसे लोग भी हैं जो शहर में आकर भी अपने संस्कारों से बंधे रहते हैं, कमाल है। थैंक्स। कभी हमें भी ले चलो भगवान अमरनाथ के दर्शन करने के लिए। जी जरूर, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। साला गद्दार, अगर प्रदेश साहब की इजाजत होती तो तुझे जान से मार देता साला। समय बीतता जा रहा है, अभी तक प्रलय बस क्यों नहीं आए? Thank you.
प्रलय को समय के पाबंदी में कोई नहीं बांध सकता। याद रखो, जब जब प्रलय आता है सिर्फ तबाही को ही साथ लाता है। इस गद्दार की लाश को गटर में फेंक दो। और सुनो, जर्मनी से डॉन काटने का आदेश है कि गंगापुर गांव के सिलसिले में फौरन मीटिंग रखी जाए। तूने खाया क्या? आपको खाते देखकर खुद ब खुद मेरा पेट भर जाता है। इतना प्यार करती है मुझसे? बिल्कुल, कोई शक है? बिल्कुल नहीं सुशीला। जितना तू मुझसे प्यार करती है ना, मैं भी तुझे उतना ही चाहता हूँ। तो फिर मुझसे शादी कर लो। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुझे मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। एक बार कहकर तो देखो। सबसे पहले तो मेरी माँ की सेवा करनी होगी। मुझे मंजूर है। मेरे दोनों भाइयों को भाभी माँ का स्नेह देना होगा। बिल्कुल, माँ जैसा स्नेह दूंगी। और हमारे कुटुंब की परंपरा के मुताबिक शिव भक्ति, कुटुंब भक्ति और देश भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना होगा। मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं। श्रद्धा, मैं भी तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, मगर फिर भी मेरा पहला लक्ष्य है MSc में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना। तो क्या फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने के लिए 24 घंटे पढ़ना जरूरी है? मनोविज्ञान तो यही कहता है कि हर 2 घंटे के बाद मन को थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए। अच्छा, तो फिर आप जरा 2 घंटे बाद आना। नहीं नहीं, 2 घंटे बाद भी क्यों? मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना हूँ, मुझे क्या पड़ी है। ओ मैडम, वैसे आप 2 घंटे बाद भी ना हो तो अच्छा है, क्योंकि मन को आराम देना है, सिर भारी नहीं करना। ये लो खाना खा लो। सुशीला, तुम कभी खाना लाने में देरी नहीं करती, हमेशा टाइम पर लेकर आती हो। तो फिर इस खाना लाने वाली को डोली में कब बिठा रहे हो? अरे, खाना लाने वाली को कोई डोली में बिठाता है क्या? तो क्या कपड़े धोने वाली या बर्तन मांजने वाली को डोली में बिठा कर ले जाते हैं? ये मुझे नहीं पता, मैंने कभी किसी को नहीं बिठाया। इसका मतलब आप सिर्फ मुझे खाना लाने वाली समझते हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे अरे, इतनी नाराजगी। ओ मैडम, अब बस भी करो ना, इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है। जाओ ना, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? बैठ जाओ किसी पेड़ के नीचे और खो जाओ अपनी किताबों में। अरे सुनो तो। अरे सुशीला, तुम तो रूठ गई, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा ये देखो, तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ। मुझे नहीं देखना। अरे देखो तो सही, चूड़ियाँ लाया हूँ तुम्हारे लिए, रामगढ़ के मेले वाली चूड़ियाँ। चूड़ियाँ? अरे बड़ी सुंदर चूड़ियाँ है, किसके लिए? अरे तुम्हारे लिए, और किसके लिए? मुझे नहीं चाहिए। अरे अब कोमल कोमल तेरी कलाइयाँ, इनके लिए हम लाए हैं चूड़ियाँ। इन्हें पहन ले तो दूर हो दो दिलों की दूरियाँ, इन्हें पहन ले तो दूर हो दो दिलों की दूरियाँ। चांदी की पायल, सोने का गजरा,
माथे की बिंदियां, आंखों का कजरा, सब कुछ है तेरे लिए और तू मेरे लिए। साजे सिंगार की चीजें हैं ये सब, लेकिन इनका कोई मतलब तब तक ना मेरे लिए, जब तक ना तेरे लिए। बिन तेरे दिल सोने लगे और रातें अधूरियां, कोमल तेरी कलाइयां, इनके लिए हम लाए हैं चूड़ियां। उफ ये तेरे नखरे तेरी अदा, जान का दुश्मन इस तरह रोटना, कहना मेरा कुछ ले दे के मान जा, ओ जान जा, कहना मेरा कुछ ले दे के मान जा। अरे अब तो मिलने में ही भलाइयां। तो तू ये कहना चाहता है कि जिसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है वो लोग शादी नहीं करते? अरे उधर आकाश भी शादी ना करने की जिद पकड़ के बैठा है, कहता है सारा जीवन देश सेवा में बिताएगा। माँ, पहले मैं सारी जिम्मेदारियों से। सूरज भैया प्लीज, अब बार बार एक ही बात दोहराने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने सुशीला भाभी से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा तो मैं भी शादी नहीं करूंगा। अरे चंद्र जी, तू क्या कह रहे? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, क्यों पूजा? हाँ चंद्र भैया जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब मेरे भी सुन लीजिए, अगर आप जल्द से जल्द सुशीला भाभी को ब्याह करने लाए तो मैं भी कभी शादी नहीं करूंगी। पूजा ये क्या बचपना है भैया। चलो सबसे अच्छा रास्ता यही है कि तुम दोनों भाइयों की शादी एक ही मंडप में हो जाए, यही बाबा अमरनाथ की मर्जी है। भैया मेरे हिसाब से माँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब आप इनकार मत करना, आपको मेरी कसम। भैया ये सच भी है और उससे भी बड़ा सच ये है कि यहाँ के लोग बेवकूफ हैं। यहाँ के बेवकूफ लोगों को ये भी नहीं पता कि हिंदुस्तान की मिट्टी आज भी अफीम के रूप में सोना उगलती है, सोना, और उसी सोने को हम अपने इन दोनों हाथों से बटोरने के लिए जर्मनी से यहां इंडिया में आए हैं। आप लोगों को यह पता है कि हम अफीम, हशीश, कोकीन और ब्राउन शुगर जैसे ड्रग्स के ट्रेडर्स हैं। और आप लोगों को यह भी पता होगा किसकी डील या मीटिंग
खुलेआम नहीं होते। सारा काम अंडरग्राउंड करना पड़ता है। हर मुल्क में अपने ग्राहक बनाने पड़ते हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया के हर मुल्क में हमारे एजेंट्स मौजूद हैं, चाहे वो रशिया हो, ब्रिटेन हो, इटली हो, चाइना हो और या फिर जापान ही क्यों ना हो। हिंदुस्तान का जमीन अफीम की खेती के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर यहाँ के भूखे नंगे किसानों को लालच दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो गेहूं चावल का खेती छोड़कर अफीम का ही खेती करेंगे और उस अफीम से हम 1,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाएंगे। मगर इंडिया में ये काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं, इसलिए इंडिया में हमने तुम्हें अपॉइंट किया है प्रलय। वो कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजता है, इसलिए दूसरा हाथ हमारा तुम है प्रलय। और ये सब का सब तुम्हारा है प्रलय, अगर तुम हमारा साथ ईमानदारी से दोगे तो इससे भी ज्यादा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर, आज से मैं आपका गुलाम बन गया। पर व्हाट फॉर, पूछो क्या पूछना चाहते हो। ये भारत के किसान अफीम की खेती करेंगे? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे प्रलय। हिंदुस्तान का किसान तंबाकू का खेती तो करता ही है। हाँ। बस तुम्हें उनको पैसा देकर खरीदना है, वो जरूर अफीम का खेती करेंगे। करेक्ट करेक्ट। और ये काम हम शुरू करेंगे गंगापुर गांव से। जैसे कि आप गंगापुर के सभी निवासी जानते हो कि आज का मेहनती किसान किन तकलीफों से गुजर रहा है। आप लोग खेती करते हो, लगान भरते हो, साहूकार का कर्ज उतारते हो और इनसे बचे तो दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खाते हो। इसलिए तुम्हारी दशा को सुधारने के लिए हम एक योजना लाए हैं। खेत तुम्हारा, मेहनत तुम्हारी, पसीना तुम्हारा, बिजली, खाद, पानी, पेस्टिसाइड, ये सब हमारी। तुम्हें जो चाहिए हम दे देंगे। जो फसल होगी वो सब हम खरीद लेंगे, पैसे कैश देंगे। देखो तो शहर के लोगों को हमारी कितनी चिंता है। वो लोग सोचते हैं कि हम भी उनकी तरफ पैसे वाले बने, वो हमें सब दे रहे हैं। न साहूकार का झंझट, न खाद पानी की चिंता। ये शहर वाले हमारे लिए कितना भला सोच रहे हैं ना? ये शहर वाले हमारा भला क्यों सोच रहे हैं? किस चीज का बीज देंगे? सारी जमीन बेकार कर देंगे। मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई देता है। मुझे तो पूरी दाल ही काली दिखे है। भला शहर वाले हमारी भलाई क्यों सोचेंगे हैं? मैं तो सोचता हूँ अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। दिन बदले या ना, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा। जैसा करते आए हैं वैसा ही करेंगे। भगवान अमरनाथ सबका भला करेंगे। फायदा तो ठीक है, लेकिन आप हमसे खेती किस चीज की करवाना चाहते हैं ये तो आपने बताया नहीं। आप सिर्फ अपने फायदे का सोचिए, यूं समझ लो कि पैसे की खेती करवाएंगे। नोट उगाएंगे आप सबके खेत में नोट। एक बरस में लखपति बनने का उपाय बता रहा हूं मैं। अगर आप सब जानते हैं तो हमें उसकी जानकारी क्यों नहीं देते? हम क्या चीज उगाएंगे, उसकी खपत है भी कि नहीं? सूरज, हमारे साथ इस बार उगा ले, अगले साल मुनाफा ना हो तो मत करना। सूरज भैया, मान जाइए ना इन साहब की बात। नहीं खुशी, मेरा दिल नहीं मानता, मैं ये सब नहीं कर सकता। ठीक है, तुम्हारा खेत है, जो चाहे उगाओ, पर जब दूसरों को आयश करते देखोगे तो खुद दौड़े चले आओगे। भगवान अमरनाथ जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इसे कहते हैं पढ़ा लिखा जट, अपने जीत पर अड़ा है। ठीक है ठीक है भाइयों, आप सब लोग नथू के यहां से बीज ले जाइए। पानी के टैंकर अभी आएंगे, बोरिंग भी बाद में लगवाएंगे। प्राइवेट। प्राइवेट मतलब? प्राइवेट है ने अपना, जय राम जी की। मेरा जी
नाम। मुझे मालूम है आप परेशान क्यों हो। मेरी बात मानो और मेरे गहने बेच दो, फिर हमारे पास पानी, बीज और खाद तीनों का इंतजाम हो जाएगा। नहीं सुशीला, वो तुम्हारी इमानत है, उन पर मेरा कोई हक नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम चिंता मत करो, भगवान अमरनाथ की दया से सब ठीक हो जाएगा। तुम सो जाओ। लाला जी, जय अमरनाथ। अरे सूरज। आओ सूरज, कहो कैसे आना हुआ। जी, एक किसान साहूकार के पास क्यों आता है, मुझे फसल उगाने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है। देखो सूरज, तुम्हारा घर मेरे पास पहले से ही गिरवी पड़ा है। रुपया तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें तुम्हारा खेत गिरवी रखना पड़ेगा। बोलो कितने रुपए चाहिए। जी 30,000 रुपए चाहिए। अभी दे देता हूँ। अरे भाई, किसान लोगों की सेवा के लिए तो हम बैठे हैं। एक दो तीन। ये तुम्हारे पैसे। और यहाँ दस्तखत कीजिए। ये तुम्हारे पैसे। जी शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है। शाबाश साहूकार, शाबाश। सूरज के खेत की जमीन भी गिरवी रखवा ली। बेचारा पूरी तरह फंस गया, अब अपना काम हो जाएगा। प्रलय साहब, लेकिन ये सूरज के खेत में ऐसा वो क्या है जिसके पीछे आप पड़े हैं। तू नहीं समझेगा, बहुत दूर की कोड़ी है। गंगापुर गांव में ऐसी उपजाऊ जमीन और कोई नहीं जिस पर मैं काला सोना उगा सकूं। तब तो आप सूरज को नहीं जानते हैं, वो बड़ा ही मेहनती है। अपनी कड़ी मेहनत से अपना कर्जा चुकाकर वो अपना घर और खेत की जमीन छुड़वा लेगा। तूने सूरज की मेहनत देखी है, प्रलय की तबाही नहीं देखी। अरे बस कर बेटा, तो थक जाएगी। माँ की सेवा करने में थकान नहीं, आनंद महसूस होता है। तो तू मानने वाली नहीं है। हाँ। नमस्ते गंगा माँ। नमस्ते सुशीला दीदी। नमस्ते। अरे नमस्ते खुशी, कैसी हो, कहाँ जा रही हो। ठीक हूँ गंगा माँ, पास ही के गांव में जा रही हूँ। सुना है बहुत ही विद्वान ज्योतिषी जाए हुए हैं, मैंने सोचा अपनी जन्म कुंडली दिखा के आऊँ। अच्छा सुशीला दीदी, मैं चलती हूँ। अब ऐसे अंधविश्वास में जीने वाली लड़की को कौन समझाए कि बाबा अमरनाथ के ध्यान से ही सब मुश्किलों का अंत होता है। माँ, मुझे भी भगवान अमरनाथ के व्रत के बारे में जानना है, मैं भी व्रत रखना चाहती हूँ। ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा बेटी, बाबा अमरनाथ का ध्यान करके 5 व्रत रखना चाहिए। 5वें व्रत में उद्यापन कर दो और उद्यापन में गेहूं के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। माँ, मैं इसी सोमवार से व्रत रखूंगी।
भगवान की कृपा से अपनी फसल अच्छी तैयार हो रही है। तैयार होते ही ना इसे बेचकर साहूकार का कर्ज चुका देंगे और अपनी जमीन और घर फिर से अपने होंगे। अरे हाँ, और आप चंद्र भैया और आकाश भैया दोनों को भी पैसे भिजवा दो। अरे भिजवा दूंगा, तू चिंता मत कर। सूरज भैया, सूरज भैया। अरे राजू, तू इतना घबराया हो क्यों है? तुम्हारा वो खेत। मेरा खेत? हाँ। क्या हुआ मेरे खेत को? तुम्हारी वो फसल। फसल? मेरा खेत! आखिर ये किस दिन काम आएंगे? ये तुम क्या कह रही हो बहू? किसानों का सबसे बड़ा गहना तो हमारी इज्जत है और हमारे खानदान की तुम बहू हो। तुम्हारे गहने बेचकर हम अपने उसूलों को तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन माँ, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी, साहूकार सर पे खड़ा है, क्या ईमानदारी से जीने का ये फल मिलता है? बेटा, सत्य की राह बड़ी कठिन होती है। भगवान अमरनाथ जी हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। जो किसान धरती को अपनी माँ समझता है उसे को ये परीक्षा देनी पड़ती है। पर तुम फिक्र मत करो, भगवान अमरनाथ का नाम लेकर साहूकार के साथ बात करो। अमरनाथ बड़े दयालु हैं, वो जरूर दया करेंगे और साहूकार के मन में दया का भाव भर देंगे। इस वक्त कौन आया होगा? मैं देखती हूँ। आप? हाँ, मैं। साहूकार जी, मेरी फसल। मुझे सब पता चल गया है, इसीलिए यहाँ आया हूँ। लो, ये रुपए रखो। हाँ? और वापिस मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। हे बाबा अमरनाथ, तू बड़ा दयालु है। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। क्या हो गया?
अरे भाभी इधर इधर अरे बेटा तेरी भाभी को कुछ नहीं हुआ, तू बुआ बनने वाली है। बुआ बनने वाली हूँ? हाँ तू बुआ बनने वाली है और मैं दादी। सच माँ? हाँ हाँ। और जो बाप बनने वाला है उसे तो कुछ खबर ही नहीं, पूरा दिन खेत में लगा रहता है। अरे तो जा उसे खुशखबरी सुना, जा जा। जी माँ। प्रलय सेठ, प्रलय सेठ। क्या हुआ? बहुत ही बुरी खबर लाया हूँ, पिछली बार की तरह इस बार भी सूरज ने बहुत ही अच्छी फसल उगाई है, मगर पिछली बार की तरह इस बार हम लोग उसकी उगी हुई फसल को बर्बाद करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब सूरज खुद खेत में फसल की रक्षा के लिए दिन रात पहरेदारी करता है। थी हम लोगों ने, हमने खेत में पानी नहीं पसीना बहाया था, फिर भी हमें आज ये दिन देखना नसीब है। पता नहीं किन बदमाशों ने हमारा खेत चला दिया। मेरी तो हिम्मत टूट चुकी है, कमर टूट गई है मेरी। साहूकार का कर्ज, दोनों भाइयों की पढ़ाई, छोटी बहन की शादी की जिम्मेदारी, घर गृहस्थी का कर्ज, कहां से आएगा ये सब? माँ, माँ ऐसा लगता है इस जमीन से मेरा कोई लेन देन ही नहीं है। जो जमीन को दोष नहीं देता है वही सच्चा किसान कहलाता है। तू हिम्मत रख बेटा। कैसे हिम्मत रखूं माँ, जिस इंसान का सब कुछ उजड़ गया हो और दूर दूर तक कोई रास्ता नजर ना आता हो, वो करे भी तो क्या करे। माँ, माँ ये गाँव छोड़कर चलते हैं, इस तरह इस जमीन पर खेती करते रहे तो नहीं जी पाएंगे। तुम दोनों तो हार चुके हो, तुम्हारी तो भगवान पर से श्रद्धा ही उठ गई है। तो क्या करे माँ, तेरी ये बहू पिछले 12 दिनों से पानी पी पी कर जी रही है। जरा सोच माँ, इसकी कोख में पल रही नन्ही सी जान का क्या होगा। मैं एक पिता होकर अपने होने वाली औलाद को भूखा मार रहा हूँ। वो जगत के पिता है, उसे हमारे दुख की भी चिंता होगी, मगर ऐसे हिम्मत मत हारो मेरे बच्चों। वो देव दानव चर चराचर समस्त ब्रह्मांड की चिंता करते हैं, उसके बर्फ के लिंग से पृथ्वी के दुखों का पसीना बहता है। कंठ में विष, जटा में गंगा, पैरों में दानव शांति पाते हैं। अब तो भगवान अमरनाथ ही हमारी विपदा से हमें बचाएंगे। अरे सर नहीं झुकाएगा तो क्या सीना तान के चलेगा? अरे भला कोई अपना घर और खेत गिरवी रखकर जी सका है भला? सही कह रहे हो भैया। अब तो इसकी विधवा माँ को रहने का ठिकाना भी नहीं मिलेगा। अरे प्रलय साहब की बात मान लेता तो ये दिन नहीं देखना तो पड़ता। इसके पास एक ही रास्ता बचा है। Thank you.
एक ही रास्ता बचा है, आत्महत्या, 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 आत्महत्या। सुशीला क्या हुआ? सुशीला क्या बात है? सुशीला भाभी क्या हुआ बहू? सुशीला तुम ठीक तो हो? मैंने बहुत ही भयानक सपना देखा। क्या देखा? आपने आपने आत्महत्या कर ली। नहीं सुशीला, मैं एक किसान का बेटा किसान हूँ जो इस धरती की गोद में से सोना पैदा करना जानता है। मैं कैसे आत्महत्या कर सकता हूँ? बल्कि मैं इस देश के अपने किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आत्महत्या करना कायरता है। भले इनके घर देर है पर अंधेर नहीं। मुझे मेरे भगवान अमरनाथ पर पूरा विश्वास है। मेरी डूबती हुई नैया ये जरूर पार लगाएंगे। जय भगवान अमरनाथ जी। प्रभु कितना विश्वास करता है ये भक्त आप पर, और कितनी परीक्षा देनी होगी इसे। देवी इस घोर कलयुग में भी जो मेरी सच्चे हृदय से पूजा करता हो, मुझ में विश्वास रखता हो, उसके विश्वास को मैं डगमगाने नहीं देता। सूरज ने भी सच्चे हृदय से मेरी भक्ति की है, उसकी श्रद्धा में व्यर्थ नहीं होने दूंगा। उसकी नैया अवश्य पार होगी। सुनिए जी, आप किसान हैं? जी हूं तो किसान ही। मैं बैंक ऑफिसर हूं। हमारा बैंक किसानों के कल्याण के लिए उन्हें लोन भी देता है ताकि किसान बिना किसी रुकावट के खुशहाली से खेती कर सके। जी लेकिन मेरी जमीन तो साहूकार के पास गिरवी पड़ी है। तो क्या हुआ, कर्जा हम दे देते हैं। आप साहूकार से अपनी जमीन छुड़वा लीजिए और बेफिक्र होकर खेती कीजिए। आप लोगों की खुशहाली वापस लौट आएगी। शायद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनके इन्हें हमारे पास यहाँ भेज दिया है। जी लेकिन मुझे करना क्या होगा? अगर कर्ज लेने आए हो तो लौट जाओ पिछले पांव। नहीं साहूकार जी, मैं तो अपनी जमीन छुड़वाने आया था। मेरा हिसाब कर दीजिए। इनकी तारीफ? जी ये बैंक के अधिकारी हैं, यही मेरी जमीन छुड़वाएंगे। साहब कुछ ठंडा गर्म मंगवाओ। साहब कुछ नहीं चाहिए, आप तो अपने पैसे लो और इनके कागजात दो। और तूने सूरज को जमीन के कागज लौटा दिए? और क्या करता पल्ले साहब,
सरकार की योजना के मुताबिक बैंक अधिकारी जैसे जैसे कहता गया मैं करता गया, उसने मुझे पैसे दिए और मैंने जमीन के कागज लौटा दिए। ऐसी कोई योजना मैंने नहीं सुनी। लगता है नरसिंह मेहता के हुंडी की तरह भगवान खुद आकर सूरज को उसकी जमीन छुड़वा गए। प्रले साहब गाँव में सरकारी आदमी आए थे, खेतों में उगी फसल के नमूने ले गए। लगता है हम सबका जेल जाने का वक्त आ गया है। साहब साहब दिल्ली जाता हूँ, हमारा माल आदमी के साथ पकड़ा गया। ओ माय गॉड, इसका मतलब इस जगह पर रहना आप खतरनाक है। जितना माल समेटना है समेट लो और इस जगह का खाली कर दो। रही सूरज की बात, उसका तो मैं ऐसा विनाश करूंगा कि पूरी धरती कांप उठेगी। यार आकाश बड़ा खुश दिखाई दे रहा है, किसका खत है? माँ का खत है। अच्छा माँ का खत है, क्या लिखा है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। माँ ने मुझे शिवरात्रि के लिए बुलाया है, वो चाहती है कि हर साल की तरह इस साल भी गुजरात के अमरनाथ धाम पर हम सब मिलकर शिवरात्रि मनाएं। और हर बार की तरह इस बार भी लिखा है कि मैं उनके लिए एक सुंदर सी बहू कब लेकर आ रहा हूँ। पर तू शादी क्यों नहीं कर लेता आकाश, माँ बहुत खुश होगी। हाँ सब बहुत खुश होंगे, लेकिन रहीम तू तो जानता है यार, सूरज भैया ने मुझे फौज तक पहुंचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, और मैं उनकी कुर्बानियों को इस तरह से जाया नहीं होने दूंगा। बस अब तो एक ही अरमान है, इस देश के लिए कुछ कर गुजर जाऊं, अपने शरीर के खून का एक एक कतरा एक एक बूंद इस देश पर न्यौछावर कर दूं, जिससे सूरज भैया मुझ पर फक्र महसूस कर सके। वाह आकाश, इसे कहते हैं देश का सच्चा सपूत। हम सपूत देश के, देश में बसी हमारी जान है। हम सपूत देश के, देश में बसी हमारी जान है। देखभाल देश की हो जान की तरह, देखभाल देश की हो जान की तरह, ये हमारा अरमान है। हम सपूत देश के, देश में बसी हमारी जान है। हम सपूत देश के, देश में बसी हमारी जान है। बर्फीले पर्वतों की चोटियों पे भी कुछ कमी नहीं हमारे जोश में, कुछ कमी नहीं हमारे जोश में। मार्जिन की तेज है निशान है अचूक, ऐसे शस्त्र है सुरक्षा कोश में, ऐसे शस्त्र है सुरक्षा कोश में। हो जाते दुश्मनों के होश फाता, देख हम सिपाहियों को होश में। लड़ते लड़ते मौत आ गई अगर हमें, सो रहेंगे इसके ही आगोश में, सो रहेंगे इसके ही आगोश में। देश प्रेमियों का नारा वंदे मातरम, सिद्ध मंत्र है हमारा वंदे मातरम। बूंद बूंद खून की है देश के लिए, बूंद बूंद खून की है देश के लिए। देशभक्त हर जवान है। हम सपूत देश के, देश में बसी हमारी जान है। हम सपूत देश के, देश में बसी हमारी जान है। श्रद्धा, सूरज भैया मेरी पढ़ाई पर बहुत खर्चा कर रहे हैं,
बहुत सारी कुर्बानियां दी उन्होंने मेरे लिए। अब मेरा भी यह फर्ज बनता है कि मैं अपने भाई के एहसानों का बदला चुकाऊं। हाँ चंद्र, इस कलयुग में भी सूरज भैया ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किए हैं। अब तुम पढ़ लिख कर काबिल हो गए हो, अब तुम्हें सूरज भैया के कंधे से कंधा मिलाकर परिवार की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हाँ श्रद्धा, तुम ठीक कह रही हो। भगवान अमरनाथ की कृपा से जट्रोफा, जोजोबा और सोयाबीन के तेलिए बीजों से मैं बायोडीजल बनाने का रिसर्च कर रहा हूँ और एक मोबाइल रिफाइनरी की खोज भी कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे देश का हर किसान अपने खेत में बायोडीजल पा सकेगा। दुनिया का यह सबसे पहला आविष्कार होगा। अब इस क्षेत्र में मैं पहला कदम रखने जा रहा हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मुझे इसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। तुम बाबा अमरनाथ का नाम लेकर शुरुआत तो करो, फिर देखना भगवान अमरनाथ तुम्हें सफलता की किन बुलंदियों पे पहुंचा देंगे। हाँ। जय बाबा अमरनाथ। जय भगवान अमरनाथ। बाबा की जय हो। क्या घोर कलयुग आ गया है बाबा, क्या षड्यंत्र रचा था उन लोगों ने। गरीब किसान अनाज की जगह अफीम उगाने लगे थे। अरे ये तो भला हो भगवान अमरनाथ जी का कि समय पे पुलिस आ गई और सारे गरीब किसान बच गए। बाबा मूर्ख बालक, तुम किसानों और खेतों की चिंता मत किया करो, तुम सेवा करते रहो मेरी, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अरे कल्याण से तो यहाँ तक ला लिया आपने, सेवा करा करा के। कितनी सेवा कराई आपने कि मेरा जुड़वा भाई मिल जाएगा। मिल जाएगा, सही वक्त पर सब ठीक हो जाएगा। ये तो बताओ कल वाली कन्या का क्या हुआ, वो अब तक आएगा नहीं। अच्छा वो कन्या जिसके ससुराल वालों ने ये कह के निकाल दिया कि वो अब तक माँ नहीं बनी। हम उसे माँ बनाएंगे, लेकिन वो अब तक आई क्यों नहीं, हमारा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। महाराज प्रणाम। ओह बाबा तुमने पुकारा और कन्या चली आई। खुश रहो बालिके, क्या शुभ घड़ी पे आई हो, एक पाव उड़द और सवार पे लाई हो। जी महाराज। ये सारी सामग्री यहाँ रख दो और तुम वहां जाकर बैठ जाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अरे तुम क्या देख रहे हो, अंदर जाके भजन और कीर्तन करो। महाराज सुबह से भजन और कीर्तन करते करते मेरा गला बैठ गया। उठो घूम जाओ, देखो हमेशा वाली हरकत नहीं करना। मालिके घबरा मत, आराम से बैठो, आराम से तुम्हारी सारी ससुराल की शिकायतें दूर हो जाएंगी। अपना हाथ लाओ। कितने मुलायम है तुम्हारे। क्या कर रहे हैं आप, मेरा हाथ क्यों बांध रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। घबराओ नहीं, तुम्हारे ससुराल को शिकायत है कि तुम माँ नहीं बन सकती। ये क्या कर रहे हैं, मैं तुम्हें वरदान देने जा रहा हूँ, तुम माँ बन जाओगी। छोड़ो मुझे। आराम से बैठो, आराम से खेल जाओ, आराम से बैठो। मुझे बचाइए भैया, मुझे बचाइए। इस कलयुग के जमाने में कोई छोड़ दीजिए मुझे।
मुझे शक्ति दो ताकि इस अबला बहन की इज्जत बचा सको। बजरंग मुझे शक्ति दो बजरंग बली, मुझे शक्ति दो। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अरे ये तो खुशी की आवाज है। जय श्री राम, जय श्री बाबा, जय बजरंग बली। अरे मैं गुरु, मेरा गुरु, शायद का गुरु और तू ढोंगी। खुशी, खुशी, सुशीला दीदी, खुशी, सुशीला दीदी, ये बाबा ढोंगी है। संतान प्राप्ति के नाम पर ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। चुप कर आ गया। साधु होकर बात, मुंह में दांत और बगल में छुरी। चुप खुशी, तू इधर रुक, मैं अभी इसे देखती हूँ। ये कौन है? मुझे क्यों मार रही है? ना मारो, इसकी हद हो गई है। अरे अरे अरे, ओ मेरी बहन, अरे मुझे मार, अरे मैं काम नहीं कर रहा। अरे अरे अरे, देख खुशी, तू आज के बाद ये ढोंगी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना। हाँ दीदी, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। देख, तू सोमवार के 5 व्रत रख और भगवान अमरनाथ का उद्यापन कर, और उसी दिन अमरनाथ धाम की यात्रा पर जा और गेहूं के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ा। देख, तेरी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। शुक्रिया दीदी, आपने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया है। मैं आज से ही भगवान अमरनाथ जी के 5 सोमवारों का व्रत रखने का संकल्प लेती हूँ। बहुत अच्छे, चल अब हंस दे। भाई साहब शुक्रिया। जी शुक्रिया की क्या बात है, तो मेरा फर्ज था। जय भगवान अमरनाथ। जय भगवान अमरनाथ जी। चल। देखा आप लोगों ने, ढोंगी बाबाओं पे विश्वास करने का नतीजा। इसीलिए कहता हूं, आप भी किसी ढोंगी बाबाओं पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। अगर विश्वास करना है तो केवल भगवान पे कीजिए। जय भगवान अमरनाथ जी। हाँ? अरे चंदन भैया, जीता रहे जीता रहे। नमस्ते भैया। अरे जीती रहो बहू। अरे माँ देख कौन आया है। चंदन तू तो बहुत आदमी बन गया। तू चंदन, नमस्ते माँ जी। सदा सुहागन रहो बहू। भैया चंदन, अरे वाह, भैया ने नई गाड़ी खरीदी। क्या बात है माँ, माँ ये सब आपके आशीर्वाद और भगवान अमरनाथ की कृपा से हुआ है। भैया गवर्नमेंट की तरफ से बायोडीजल के टेंडर निकले थे माँ, मैंने भगवान अमरनाथ का व्रत रखा और टेंडर भर दिया। इधर मेरा व्रत पूरा हुआ और उधर मुझे टेंडर मिल गया। हाँ? भैया गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 10 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है माँ, 10 करोड़ रुपए का। सच? हाँ भैया, लेकिन ये सब आपकी मेहनत और कुर्बानियों का नतीजा है भैया। आपने खुद अपनी पढ़ाई छोड़कर खेती बाड़ी की और हम सबको पढ़ा। अभी तो शुरुआत है भैया, आगे चलकर ये बिजनेस और भी बढ़ सकता है। जरूर बढ़ेगा चंदर, जरूर बढ़ेगा। माँ बड़े भैया को भी शहर आना पड़ेगा। हाँ। ये बायोडीजल की फैक्ट्री संभालेंगे और भैया ऑफिस। मेरी सारी जिंदगी की मेहनत काम आई। जिंदगी में अच्छा बोया तो अच्छा पाया। बेटे
तुम दोनों कृष्ण बलराम बनके पूरे देश में छा जाओगे। बेटे कल शिवरात्रि है, मैंने आकाश को भी घर आने के लिए चिट्ठी लिखी है, वो आता ही होगा। हाँ? हम सब मिलकर अमरनाथ धाम के आंगन में धूमधाम से शिवरात्रि मनाएंगे। हम शिवरात्रि का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, क्यों भैया? बिल्कुल। पुण्य पर्व शिवरात्रि का, अमरनाथ का धाम, आज की पावन रात्रि है, शिव गौरी के नाम। सुहानी बम बम भोले, बम बम भोले, आज मिले शिव और शिवानी, बम बम भोले, बम बम भोले। पीकर बूटी शिव जी की जूठी, ओ पीकर बूटी शिव जी की जूठी, चाल हुए मस्तानी। शिव महाराजा गौरी महारा सुहानी, बम बम भोले, बम बम भोले, आज मिले शिव और शिवानी, बम बम भोले, बम बम भोले। शिवरात्रि सुहानी, बम बम भोले, अरे आज मिले शिव और शिवानी, बम बम भोले। पीकर बूटी शिव जी की जूठी, ओ पीकर बूटी शिव जी की जूठी, चाल हुई मस्तानी। शिवरात्रि सुहानी, बम बम भोले, बम बम भोले, आज मिले शिव और शिवानी, बम बम भोले, जय जगदम्बे, बम बम भोले, जय जगदम्बे, बम बम भोले, जय जगदम्बे। माँ, तुझे यहाँ अकेला छोड़कर शहर जाने को मन नहीं कर रहा। मैं अकेली कहाँ हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी बहन पूजा भी तो मेरे साथ है, और हम दोनों के साथ
भगवान अमरनाथ तो है ही। बेटा, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो शहर तो जाना ही पड़ेगा, और मुझे विश्वास है कि शहर जाकर तुम नेक काम ही करोगे। जैसी माँ की आज्ञा, आशीर्वाद दो। सुखी रहो माँ, अपना ख्याल रखना, छुट्टी मिलते ही मैं आ जाऊंगा, ठीक है? नमस्ते भाभी। नमस्ते। अच्छा माँ, सूरज भैया क्या था? जीते रहो। आकाश, अपना ख्याल रखना। जी भैया। अपना ख्याल रखना। नमस्ते माँ। अपना ख्याल रखना। जी भैया, आप भी। बाय बाय। पहुंचते ही खबर करना। डियर फ्रेंड्स, आज की ये मीटिंग इसलिए रखी है कि कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा रुपयों का आप सबको फायदा हो सके। और वो फायदा कैसे होगा वो आपको प्रलय साहब बताएंगे। हाय फ्रेंड्स। हेलो। ओ, ये तो वही कमीना है जिसकी वजह से हमारे गांव के भोले भाले किसान बर्बाद हो गए। अच्छा। इसकी तो, अरे चंदर एक मिनट, पहले देखे तो सही ये क्या स्कीम दिखाता है। देखते हैं अब ये क्या नई खुराफात करता है। एक हजार रुपए की नोट, लेकिन असली नहीं बल्कि नकली है। नकली नोट? हाँ, और ये नकली नोट असली से ज्यादा कड़क है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बाजार में इसे कोई नहीं पहचान सकता। ओ, तो आप ये चाहते हैं कि नकली नोटों को हम बाजार में चलाएं और देश के साथ गद्दारी करें? ये तो हमारे देश की इकोनॉमी पे हमला है, इससे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी के बारे में आप लोग क्यों सोच रहे हो? अगर देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए तो क्या हुआ? आप लोग तो मालामाल हो जाएंगे। जरा सोचो, एक नोट के बदले पांच नोट, यानी पांच गुना मुनाफा। बोलो, मंजूर है? नहीं, कभी नहीं। मैं और मेरा भाई ये घिनौना काम कभी नहीं करेंगे। हम किसान के बेटे पहले हैं और व्यापारी बाद में। और किसान अपना खून और पसीना बहाकर इस देश की उन्नति और तरक्की के लिए अनाज पैदा करता है, अपने देश को बेच कर नहीं। क्यों भाइयों, क्या आप लोग अपने देश को बेचकर धन कमाना पसंद करेंगे? नहीं, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वैसे भी इस काम में जोखिम बहुत है। सुन लिया प्रलय साहब, बोलिए अब क्या इरादा है आपका? जैसी आपकी इच्छा, आप ना करना चाहते हैं ना सही। अगर दोबारा इस धंधे की बात आपने किसी भी व्यापारी से की तो याद रखना, इस खबर को पुलिस तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। चलो भाई, चलो चलो, टाइम बर्बाद हुआ हमारा। सही बात है। तुमने फिर एक बार मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है सूरज। मेरा नाम प्रलय है, और जब प्रलय आता है तो अकेला नहीं, साथ में तबाही को भी लाता है। तो फिर सुन, मेरा नाम भी सूरज है। बड़ी से बड़ी तबाही जब सूरज से टकराने की जुर्रत करती है तो पास आने से पहले ही सूरज की आग उसे जलाकर राख कर देती है। हेलो बंसी, सूरज और चंदर के अंतिम संस्कार का ऐसा इंतजाम करो कि आज रात का नहीं वो चांद देख सके, नहीं कल सुबह का सूरज। ओके बॉस। काम हो गया, कुछ ही देर में सूरज और चंदर इस दुनिया को अलविदा कह देंगे।
चंदर जी भैया, आजाए दिन हमारे देश के किसान भाई परेशानियों की वजह से आत्महत्याएं कर रहे हैं। मुझसे उनका ये हाल देखा नहीं जाता। मैंने बैंक को आदेश दे दिया है कि हर महीने हमारे खाते में से 5 लाख रुपए किसान प्रगति संस्था को दे दिए जाएं, ताकि उनको थोड़ी राहत मिल सके। तो आपने बहुत अच्छे किए चंदर, भगवान अमरनाथ की दया से तुम टॉप के बिजनेसमैन बन गए। सब आपका आशीर्वाद है बड़े भैया। उधर आकाश भी फौज में अच्छी तरक्की कर रहा है जी। बस अब पूजा की शादी हो जाए तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाए। भैया मैं इस बारे में आपसे बात करने ही वाला था। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पूजा के लिए मेरी नजर में एक लड़का है जो लाखों में एक है। चंदर, भगवान अमरनाथ की दया से नेक काम जल्द से जल्द हो जाए, बस यही मेरी प्रार्थना जी। भैया भैया कितना प्यारा मंदिर। चंदर, हम अक्सर इस रास्ते से आते जाते रहते हैं, पहले तो ये मंदिर कभी नहीं देखा, ये कब बना? चलो दर्शन करते हैं। चलो भैया। अरे ये तो शिव जी का मंदिर है। जी भैया। एक भी काम ढंग से क्यों नहीं करते हो? साला धरती के बोझ पाल के रखा है मैंने। हाँ माँ हाँ, जैसे ही हम दोनों भाई गाड़ी से उतरे, हम मंदिर की तरफ बढ़े कि एक धमाके के साथ हमारी गाड़ी उड़ गई। और माँ, जैसे हमने वापस पलट कर देखा तो मंदिर भी गायब हो गया। बेटा, भगवान अमरनाथ की हम पे अपूर्व कृपा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ माँ, मेरा दिल करता है कि अब हम सब लोग साथ में रहें। माँ माँ, तुम सब मेरे साथ शहर चलो ना, हम सब मिलजुल कर वहीं रहेंगे। माँ हाँ माँ, माँ प्लीज माँ। चंदा ठीक कह रहा है। क्या सोच रही है माँ? बेटा, मैं सोच रही थी कि पूजा के हाथ पीले कर दूँ। माँ माँ, तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर। माँ तू मेरे साथ शहर चल, शहर। पूजा के लिए मैंने ऐसा लड़का देखा है माँ, लाखों में एक है, लाखों में हीरा है माँ, हीरा। वैसे लड़का करता क्या माँ? है? उसका विलायत में बहुत बड़ा कारोबार है। लड़के का नाम पवन है माँ, पवन। भारत में दौरे पर आया हुआ है, तू उसे देखते ही पूजा के लिए हाँ कर देगी। बस फिलहाल तू मेरे साथ शहर चलने के लिए हाँ कर देना माँ। माँ प्लीज माँ प्लीज मा, भैया। और माँ माँ, रही बात अपने खेत की, वो तो देवा अच्छी तरह से संभाल ही रहा। हाँ माँ, चलना माँ, माँ चलना प्लीज माँ। अच्छा बेटा, भगवान अमरनाथ की दया से तू जो चाहता है वही होगा। पूजा सुना तुमने? अरे बेटी क्या हो, चल चल चलने की तैयारी करो, जाओ। थैंक यू माँ, थैंक यू। विनती चित धरो, कृपा हम पे करो।
इतना शुद्ध शाकाहारी भारतीय खाना मैंने बहुत सालों की बात खाया। वाह, ऐसी लजीज खीर मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाई। आपके हाथों में जादू है माँ जी। बेटा, खीर मैंने नहीं, हमारी पूजा ने बनाई है। ओह रियली? फैंटास्टिक। थैंक यू। अब तो फिर हमारी बहन पूजा आपको पसंद है ना पवन जी? ये भी कोई पूछने की बात है? अगर पूजा मुझे पसंद कर लेती है तो मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? अब क्यों पूजा, क्या ख्याल है तुम्हारा पवन के बारे में? नजर झुका के बैठने का मतलब है कि पवन जी इसे भी पसंद है। अरे भाई, पवन जैसा लड़का किसे पसंद नहीं होगा? विलायत में रह के भी अपने संस्कार और तहजीब नहीं भूला है। मुझे तो लगता है बाबा अमरनाथ ने ही पवन को विलायत से हिंदुस्तान भेजा है हमारी पूजा के लिए। तो फिर जल्द से जल्द मेरी बहन पूजा की डोली उठ जाए तो बहुत अच्छा होगा। पवन जी, आप अपने माता पिता से बात कर लीजिए। जी, मुझे अमेरिका में अपने मम्मी डैडी को फोन करने की जरूरत है। उन्हें जैसे ही पता चलेगा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ वो फौरन आ जाएंगे। भैया। पवन जी, बहुत प्यार से पाला है इसको, इसका ख्याल रखिएगा। आप चिंता मत करो सूरज भैया, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बेटी, परदेश जाकर भगवान अमरनाथ को भूल मत जाना, और एक बार हमेशा ध्यान रखना बेटी, पति की आज्ञा का पालन करना हर हिंदुस्तानी नारी का धर्म होता है, और तू उस धर्म का पालन करना बेटी, पालन करना। Thank you.
आइए जीजा जी। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पवन, शादी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। अब सूरज और चंद्र की बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। उन तीनों ने आपका बहुत नुकसान किया है और उस नुकसान की भरपाई के लिए मैं उनकी बहन पूजा का वो हशर करूंगा कि उसके आंसू पहुंचते पहुंचते तीनों खून के आंसू रोएंगे खून के। गुड, वेरी गुड। वाह काटनी भाई वाह, आपके दिमाग का भी जवाब नहीं। जो काम हिंदुस्तान में रहकर भी मैं कर नहीं पाया वो काम आपने अमेरिका में बैठे बैठे कर दिया। प्रलय, अब तीनों भाई अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। जो काम ताकत से नहीं हो सका वो काम हमने दिमाग से करके दिखाया है। अब हम देखेंगे कि सूरज और चंद्र के असूल हमारी ताकत के आगे कैसे टिकते हैं। हम सूरज और चंद्र पर ग्रहण बनकर छा जाएं। बहू कितनी मेरी सेवा करेगी, अब बस भी कर और आराम कर। बस माँ, थोड़ी देर और पैर दबाने दीजिए ना। अरे भाग्यवान, कम से कम बहू के हाथों की मेहंदी तो सूखने दो। अरे ससुराल में कदम रखा नहीं क्या आपने तो सेवा करवाना शुरू भी कर दिया। अरे मैं तो कब से मना कर रही हूँ लेकिन ये मानती ही नहीं। क्यों बहू, कहीं तुम्हारी सास तुम्हें चुपके से डरा धमका कर तुम पर हुक्म तो नहीं चला रही है, है? अरे नहीं पापा, माजी तो साक्षात दया की मूर्ति है। सच कहूँ तो परदेश में आकर भी मुझे मेरी माँ की कमी नहीं खली, क्योंकि जब भी आपको देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरी खुद की माँ मेरे सामने मौजूद है। बहू ये तू नहीं तेरे संस्कार बोल रहे हैं। धन्य है तेरी माँ जिसने तू जैसे हीरे को जन्म दिया। पूजा तुम यहाँ हो? यहाँ बैठे बैठे क्या टाइम पास कर रही हो? मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है, उनके खाने पीने का इंतजाम करो, समझे? पवन, ये हमारे घर की बहू है बेटा, हमारे घर की इज्जत है। और हमारे संस्कार ये नहीं कहते कि हमारे घर की बहू इतनी रात गए तुम्हारे दोस्तों के बीच जाए। आपसे बीच में बोलने के लिए किसने कहा था डैड? मैं आपसे 50 बार कह चुका हूँ, मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो, अंडरस्टैंड? बेटा तेरे पापा ठीक ही कह रहे हैं, इस वक्त तेरे दोस्त शराब के नशे में होंगे, ऐसे में मॉम, तुम और डैड कब तक अपने घटिया और सड़े गले हिंदुस्तानी संस्कारों का फंदा अपने गले में लटकाते फिरोगे? अरे दिस इज अमेरिका, अमेरिका। खैर तुम लोगों को समझाकर कोई फायदा नहीं, और तुम 10 मिनट में इंतजाम करके पार्टी में पहुंचे। ओके पूजा बेटी, यहाँ अमेरिका की चमक दमक ने पवन की आंखों को धुंधला कर दिया है। बेटी मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी भक्ति पवन को बहुत जल्दी सही रास्ते पे ले आएगी। ये कम ऑन बेबी, मेड माय वाइफ पूजा। नमस्ते पूजा, दिस इज अमेरिका, यहाँ आए का जवाब भाई से दो, गवारों की तरह नमस्ते कहना हमेशा के लिए भूल जाओ, अंडरस्टैंड? अब पत्थर की मूर्ति की तरह क्या खड़ी हो, इसे यहाँ रखो, मिले ड्रिंक बनाओ, देख क्या रही हो, कम ऑन मेक अ ड्रिंक फॉर मी। ओह
बेबी। हमेशा ध्यान रखना, पति की आज्ञा का पालन करना हर हिंदुस्तानी नारी का धर्म होता है, और तू उस धर्म का पालन करना बेटी। मैं तुम्हें जहर पिला रहा हूँ। This is scotch, darling, scotch. Come on. नहीं, मैं नहीं पी सकती। अगर पी लेते तो डांस करने का मजा ही अलग आता। ये ले भाई डार्लिंग। हाँ? Yeah. डांस बेबी, डांस। Yes. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Hey, let's dance. Let's have some drink. Hey, what's wrong? You can't see your husband dancing with my wife. Why you can't dance? Hey, come on. What's the problem? Let's dance. Oh, hey, come on. Yeah. Come on, darling. Come yeah. Have some tea. Come on. Yeah. Hey, right. Come on. You're right. Oh, let's dance. Yeah. Come on, baby. Hey, come. देख ली तूने अपने बेटे की करतूतें? बुढ़ापे में शायद यही देखने को बाकी रह गया था। हेलो पूजा बेटी, तो कैसी है तू? मैं तेरे ही फोन का इंतजार कर रही थी। मैं बहुत अच्छी हूँ माँ, और बहुत खुश भी हूँ माँ। बेटा, भगवान अमरनाथ तुझे सदा ही सुखी रखे। बेटा, तेरे सास ससुर और पति तुझे भरपूर प्यार तो करते हैं ना? हाँ माँ, सास ससुर तो भगवान रूपी इंसान है, और इनके बारे में तो क्या कहूँ। बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, बहुत चाहते हैं मुझे माँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ माँ, बहुत खुश हूँ। क्या बात कर रहे हो राम सिंह? साहब, जो माल पवन साहब अमेरिका से भेजे हैं उसमें ड्रग्स है। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। ठीक है साहब। क्या बात कर रहे हो चंदर? जानते हो इस बात का अंजाम क्या हो सकता है? हाँ भैया, जानता हूँ। भैया क्यों ना हम एक बार पवन जीजा जी से बात कर लें, हो सकता है शायद गलत कंटेनर आ गया हो। नहीं नहीं जाले साहब, कोई गलत कंटेनर नहीं भेजा है, वो बिल्कुल सही कंटेनर है। उसका क्या करना है ये मैं कल सुबह तुम्हें फोन करके बताऊंगा। पवन जी, पूजा कैसी है? वो ठीक तो है ना? साले साहब, आपकी बहन पूजा को मैंने महलों की रानी बनाकर रखा है, आप उसकी चिंता मत करो, वो सोई हुई है। कहो तो उठा दूं? नहीं नहीं, उसे आराम करने दो, मैं कल सुबह आपके फोन का इंतजार करूंगा। सूरज भैया का फोन था ना? हाँ, तो मुझे भी भैया से बात करनी थी, आपने मुझसे बात क्यों नहीं कराई? मैं कोई तेरा सेक्रेटरी हूँ जो तेरा हुक्म मानकर तेरी ड्यूटी करूंगा? सुनिए, आपने बहुत ज्यादा पी ली है, आप सो जाइए। तू कौन होती है मेरे पैर गिरने वाली? देख, मेरी मर्जी होगी तो बोतल से भी पीऊंगा, देखना चाहती है? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इसे, मैं कहती हूँ, मैं कहती हूँ छोड़िए इसे, छोड़िए इसे। मेरी पूरी स्कॉच की बोतल गिरा दी, तेरी ये हिम्मत? मेरी स्कॉच की बोतल गिरा दी? अपनी औकात मेरे ना सीख, सूरज भैया से बात करा दू। नौकर समझे? तेरे बाप का नौकर हूं मैं,
जान से मार डालूंगा, जान से छोड़ूंगा नहीं। बाप का नौकर संजय। चुप चलो। हे भगवान, ये हम क्या देख रहे हैं? देख लिया अपने उस नालायक की हरकत। खुद शराब पीकर बेसुध पड़ा है और बहू को लहू लुहान कर दिया। नहीं माँ, गलती मेरी थी, मैं ही फिसल कर गिर पड़ी थी माँ। नहीं बेटी नहीं, तुम झूठ बोलकर इस जल्लाद की करतूतों को छिपाने की कोशिश कर रही हो। बेटी, हमने तो सोचा था शायद तुम जैसी पत्नी पाकर पवन सुधर जाएगा, लेकिन इसने तो तुम्हारी जिंदगी भी नर्क बना दी। हमें माफ कर देना बहू। नहीं, तुम्हारे दुखों के हम गुनहगार हैं। नहीं माँ, हमें पहले से ही पता होता कि ये नालायक तेरे लायक नहीं है, तो आज तुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। हाँ बेटी। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो तू, कुछ बोलते क्या नहीं? बातें कुछ ऐसी है श्रद्धा, समझ में नहीं आ रहा कि पवन जीजा जी ने जो ड्रग्स का कंटेनर भेजा है उसका क्या करूं? अब उसका जो करना होगा वो तो होगा ही होगा, पर सोचने की बात ये है कि पवन जीजा जी ने वो काम किया ही क्यों जो गैर कानूनी है। अब हाँ, जरा मुन्नी को संभालो, मैं आती हूँ थोड़ी देर। जी मैम साहब। इसमें परेशान होने की क्या बात है? परेशान ना हूं तो क्या करूं? अगर कानून को जरा सी भी भनक लग गई कि पवन के भेजे हुए कंटेनर्स में ड्रग्स है तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा सुशीला। अगर पवन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो पूजा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और हम भी कहीं के नहीं रहेंगे। तो क्या करोगे आप? आकाश भैया से बात क्यों नहीं कर लेते? नहीं सुशीला, मैं आकाश से इस बारे में बात करके उसे परेशान नहीं करना चाहता। कुछ समझ में नहीं आता, ना किसी से कुछ कह सकता हूं ना चुप रह सकता हूं। Come on guys, come on. Come friends, come, darling. My love, my sweetheart, my baby. Let's enjoy, my darling. यार फेवन, महफिल कुछ सूखा सूखा सा लग रहा है। That's right. अगर शराब के साथ साकी भी होता तो शराब का मजा डबल हो जाता। No problem. अभी तुम्हारी मुराद पूरी कह देते हैं। पूजा 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 पूजा, क्षमा करना भगवान, पतिदेव की आज्ञा है, पूजा अधूरी छोड़ रही हूँ। क्यों ना माय डार्लिंग, माय स्वीटहार्ट। जी सो गई थी क्या? कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, कहाँ थी? जी मैं अमरनाथ भगवान की पूजा कर रही थी। पत्थरों की पूजा करने से मिट्टी भी नहीं मिलती, समझी? हाँ, अगर तुम मेरे जीते जागते दोस्तों की सेवा करोगी तो तुम्हें फल जरूर मिलेगा। जाओ ड्राई फ्रूट्स का इंतजाम करो।
Yes, darling. यार फ्लावर, देसी भाभी के हाथ से जान पीने का मजा ही कुछ और है। ओके, कम ऑन पूजा। कम हेयर पूजा। आओ, हम लोगों के साथ बैठो। कम है, कम है, कम। हाँ, ये हुई ना बात। Come on, Abby. Abby. Come on, Pooja. Pooja. Please, छोड़िए मुझे जाने दीजिए। लगता है पति देव के हाथों से ही पिएगी। Okay. No, Pooja, पियो। Come on. Pooja. Pooja, no. नहीं। It's my own. Please, मुझे जाने दीजिए। Pooja. ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे जाने उसे भी निकालो हे शिव करुणाधार।
जाग के तुमने उसका मान बचाया। बचपन से ही मुझ पर तो प्रभु रही तुम्हारी छाया। नियम सहित व्रत करके मैंने श्रद्धा नीर चढ़ाया, श्रद्धा नीर चढ़ाया। अब मन की तीर नैनों का नीर लाई एक दुखियारी। परदेश में परबस हुई परिस्थितियों से हारी। संकट हरण आई शरण मेरी रक्षा करो त्रिपुरारी। हेलो, गुड मॉर्निंग साले साहब। पवन, गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज से लग रहा है कि आप अभी तक सोए हुए, जबकि आपकी किस्मत चमकाने के लिए मैंने करोड़ों का माल भेजा है। पवन, उसी माल के बारे में सोचकर तो मैं रात भर सो नहीं पाया। हर आहट पर दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ऐसा लगता है कहीं भनक पाकर पुलिस तो नहीं आ गई। क्या बच्चों जैसे बातें करते हो साले साहब। अरे पुलिस तब आती है जब उसे खबर होती है, समझे? पूरे 50 करोड़ का माल है, उसे बेचकर 25 करोड़ आप रख लो और 25 करोड़ मुझे भेज दो, ओके? पवन जी, ये मुझसे कैसे हो पाएगा? मैंने कभी गैर कानूनी काम नहीं किया। तो आप कर लीजिए। आज की दुनिया में अगर राम बनकर जियोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा, इसलिए मेरी सलाह मानो, माल का तुरंत सौदा कर दो। और हाँ, पूजा की फिक्र मत करना, पूजा मेरे साथ बहुत खुश है। अगर उसे और कुछ देखना चाहते हो तो अगले फोन पर माल बिकने की खुशखबरी दो। बाय बाय। लीजिए ना पापा। अरे 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 अरे, बस भी करो बहू बेटा, बहुत खिला लिया तुमने, बहुत खा लिया हमने। थोड़ा सा करो, अपनी सास को खिला दो। अच्छा लीजिए माँ जी। अरे नहीं पापा, नहीं। लो लो। बेटा, जितने प्यार से तू हमें खाना खिला रही है ना, ये देखकर हमारी तो आत्मा तृप्त हो गई। शायद पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम जैसी बहू मिली। Come on, darling. Hello. Oh. You are very naughty, sweetheart. You too, darling. Cheers. So sweet. दरवाजा खोलिए। सुनिए जी। दरवाजा खोलिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या मजाक है डार्लिंग? मैं जा रही हूँ। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलिए। प्लीज, मैं उसे अभी सबक सिखा कर आता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे मुझे डिस्टर्ब करने की? कौन है वो लड़की जो बेशर्मों की तरह मेरे रूम में पड़ी है? अभी बताता हूँ। चल मेरे साथ नीचे। चल नीचे। पवन, समय दे। अब सुन, ये लड़की मेरी होने वाली बीवी है और तू, तू उसकी नौकरानी। सुना तूने? पवन, तू होश में तो है? ये क्या किया है तूने? जानता है तू इसका परिणाम क्या होगा? अगर तू मेरा बाप नहीं होता तो तुझे इस बात का वो जवाब देता कि गर्दन घूम जाती। पवन, तू अपने पिता से इतनी शर्मनाक बदतमीजी कर रहा है। काश, काश तू पैदा ही नहीं हुआ होता तो अच्छा था। अरे हट बुढ़िया, हट। बाजी, मेरे टुकड़ों पे पलते हो तुम लोग और मुझे पर घुराते हो।
मुझे जितना मारना है मार लीजिए, पर माँ जी पर हाथ मत उठाइए प्लीज। अरे बेशरम, जिस बाप ने तुझे फूल की तरह पाल पोस कर बड़ा किया उसी को आग दिखाता है तू। अरे कितनी मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ाया लिखाया, कर्ज लेके यहाँ पर देश भेजा तुझे, और तू तू उस चीज का बदला इस तरह से दे रहा है। अरे नालायक, तेरे बाप ने तुझे इस काबिल नहीं बनाया होता ना तो तेरी कीमत दो कौड़ी की भी नहीं होती। तो कौन सा उपकार किया तेरे पति ने, उसके बदले तुम लोगों को पाल भी तो रहा हूं। पवन राक्षस, तूने अपनी माँ पर हाथ उठाया जिसने तुझे अपना दूध पिलाया, जब तू गीला करता था तो खुद गीले में सोकर तुझे सलामत रखा, तुझे पाल पोसकर बड़ा किया, तेरी रक्षा के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रही, और तू तूने ऐसी जननी पर हाथ उठाया, सर्वनाश होगा तेरा, सर्वनाश होगा। अरे बुड्ढे, जानवर भी अपने बच्चे पैदा करते हैं, तो इसमें तूने कौन सा उपकार कर दिया? तू इतने साल यहाँ रहने के बावजूद भी गंवार का गंवार ही रहा, जो यहाँ के वेस्टर्न कल्चर को नहीं समझ पाया। तुझे मालूम है जमाना कितना बदल गया? क्या जमाना बदला है पवन? क्या आज भी हम मुंह से नहीं खाते हैं, आंख से नहीं देखते हैं? जमाना नहीं बदला है पवन, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों की सोच बदली है, बदली नहीं बल्कि बिगड़ी है, बिगड़ी। जो तुम शादीशुदा होते हुए भी ऐसी बाजारू लड़की को घर में ले आते हो। डार्लिंग, दिस इज माय इंसल्ट। हाँ, लाऊंगा, एक बार नहीं हजार बार लाऊंगा। एक बात कान खोलकर सुन ले, ये मॉडर्न जमाना है, फ्री सेक्स को मानता हूँ मैं, फ्री सेक्स को, समझे? ये फ्री सेक्स नहीं है, ये पशु प्रवृत्ति है, और कुत्ते कुतियों का व्यवहार हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर नहीं है। अरे सब बकवास है, तुम्हारी भारतीय संस्कृति ने तुम्हें दिया ही क्या है? अरे दुष्ट, भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ा रहा है। हमारी ये संस्कृति और हमारे संस्कार कितनी पीढ़ियों की सोच का नतीजा है तुझे पता है? और ये देख, ये भारतीय संस्कृति के अनुसार जीने वाले ये गंगा माँ का परिवार कितना स्वर्ग समान श्रेष्ठ है। और देख देख, ये तेरे दोस्त शराब और व्यभिचार के नशे में धुत है, नरक में जीते हैं, नरक में। जो भी समझो, मेरे घर में रहना है तो वही करना होगा जो मैं चाहूंगा, वरना तुम लोग भी जा सकते हो और अपने साथी से भी ले जा सकते हो। चलो डाले। Don't worry, darling. I'm there. Varji. हम देख रहे हैं पवन की शादी के बाद तुम कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गए हो। अभी तक हमें उस माल का कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला जो तुमने अपने साले के पास हिंदुस्तान में भेजा था। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, मैंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि बहुत जल्द सूरज और चंदर हमारा माल बेचकर हमें रुपया पहुंचा देंगे। नो पवन, नो, बहुत जल्द नहीं, हमको कल सुबह तक जवाब चाहिए, और वो भी हाँ में, कि माल बिक गया है, नहीं तो इसका अंजाम जानते हो क्या होगा, समझे? जी। मैं समझी नहीं, आप ही क्या कह रहे हैं? तुझे समझने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ इतना कर जितना मैं कह रहा हूँ, समझी? ले अपने भाइयों को फोन लगा, उनसे कहे कि ड्रग्स बेचकर 25 करोड़ रुपए मुझे अभी भेज दे, ताकि मैं अपनी गर्दन काटनी साहब के पंजे से छुड़ा सकूं। पर मैं कैसे अपने भाइयों को इस गैर कानूनी काम के लिए कह सकती हूँ? मैं तो आपसे भी यही कहती हूँ कि काटनी जैसे गलत लोगों का साथ छोड़ दे और सही राह पर चले। तू मुझे सिखाएगी? मुझे सिखाएगी तू? उल्टा मुझे मुसीबत से निकालने के बजाय और मुझे मुसीबत में डालना चाहती है। खैर, मैं आज तेरी जान ले लूंगा। Oh, my God.
क्या हुआ? अस्पताल लेके चलो। We tried our level best. Only miracle can save now. भगवान पे भरोसा रखो। ना, माजी। Really, he's completely cured. It's a miracle. इनकी सेवा और भक्ति ने ही यकीनन ये चमत्कार किया है। All the best. Thank you, doctor. Congratulations. Thank you. बेटा, सुना पवन, डॉक्टर ने क्या कहा? ये बेचारी दिन रात तुम्हारी सेवा करती रही। अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। तुम्हारे जीवन के लिए घंटों घंटों अमरनाथ जी से प्रार्थना करती रही। पता नहीं वो कौन सा युग था जिसमें सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज के हाथों से छीन लाई थी, लेकिन इस कलयुग में ये पूजा तुझे मौत के मुंह से छीन लाई है। हाँ पवन। और तू उस पतिव्रता पर जुल्म ढाता रहा। नहीं नहीं, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं, बस ये ठीक हो गए।
मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं। मुझे माफ कर दो पूजा, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। डैडी और मम्मी के साथ भी बहुत बुरा किया मैंने। नहीं बेटा, लेकिन अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं मैं अब कभी बुरा काम नहीं करूंगा। और भगवान, अमरनाथ के रास्ते पर चलूंगा और मेरी वजह से जो कलंक सूरज भैया और चंद्र भैया के माथे पर लगा है उसे मैं हमेशा हमेशा के लिए मिटा के रहूंगा। हेलो माँ, मैं आकाश बोल रहा हूँ। आकाश बेटा, तू कैसा है रे? अच्छा हूँ माँ। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि अमरनाथ धाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी ने मुझे दी है। बेटा ये तो बड़ी ही अच्छी खबर है। भगवान अमरनाथ ने तुझे उनकी सेवा का मौका दिया है। दिल से उनकी सेवा करना। हाँ बेटा। जी माँ, अपना ख्याल रखना। जय अमरनाथ। डियर फ्रेंड्स, यहाँ इकट्ठा होने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम सब इंटरनेशनल माफिया मिलकर एक हो जाए, हमारी ताकत एक हो जाए और हम अपनी उस ताकत से हिंदुस्तान को तबाह कर सके, बर्बाद कर सके। यही इस मीटिंग का मकसद है और इस मकसद की शुरुआत करेंगे हम अमरनाथ धाम से, जहां हिंदुस्तान के हर कोने से हर मजहब के भक्त आते हैं। लेकिन अमरनाथ धाम की तबाही की शुरुआत कैसे होगी और हमें इससे क्या फायदा होगा? फायदे ही फायदे होंगे। अगर हम अमरनाथ धाम को शक्तिशाली बमों से उड़वाने में कामयाब रहे तो हिंदुस्तान की जनता कांप उठेगी, एक दूसरे को मजहबी तलवार से काटने लगेंगी। नतीजा, हिंदुस्तान में आपसी लड़ाई शुरू हो जाएगी और हिंदुस्तान सरकार का ध्यान राष्ट्र में चले हुए गृह युद्ध की ओर चला जाएगा। और इसी चीज का फायदा उठाकर हमारे एजेंट्स हिंदुस्तान के कानून की आंखों में धूल झोंक कर बहुत बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ को हिंदुस्तान के बाजार में भर दे। और हम बहुत ही कम समय में करोड़ों अरबों डॉलर्स के मालिक बन जाएंगे। और इसके बाद हिंदुस्तान के युवा ड्रग्स की मीठी जहर खाकर दिमागी तौर पर अपाइज हो जाएंगे और जिस देश की युवा शक्ति कमजोर हो जाए वो देश भी कमजोर हो जाता है। उसके बाद हिंदुस्तान के दुश्मन देश हम पर इतना पैसा बरसाएंगे कि शायद हम जिंदगी भर गिन भी नहीं पाएंगे। धन्यवाद। इन तालियों का मतलब है आप सब लोग इस नेक काम में हमारे साथ हैं। कटनी साहब, एक खुशखबरी और भी है। अमरनाथ धाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे दुश्मन सूरज और चंद्र का मंझला भाई आकाश पर सौंपी गई है। बम के धमाके में वो भी सपोला मारा जाएगा। कट, वेरी कट। हेलो रले साहब, गजब हो गया। क्या हुआ? पवन हमारे दुश्मन सूरज और चंद्र से जाकर मिल चुका है और हमारा माल पकड़वाने के लिए वो हिंदुस्तान पहुंचने वाला है। क्या बोलते हो? काटनी साहब, पवन गद्दार निकला, अपने सालों के साथ मिल गया, हमारा माल पकड़वाने के लिए हिंदुस्तान के लिए निकल चुका है। What? पर लाए पवन को रखो, पुलिस तक पहुंचने से पहले ही उसे खत्म कर दो। जी। माल को अपनी कस्टडी में लेकर ऑपरेशन अमरनाथ धाम की तैयारी शुरू कर दो। अमरनाथ धाम। पवन जी, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी भूल का एहसास हो गया, बस यही काफी है। सचमुच सूरज भैया, आप दोनों का दिल बहुत बड़ा है। अब मैं ट्रक में इस पड़े जहर को पुलिस के हवाले कर दूंगा ताकि मेरे मन का बोझ भी हल्का हो जाए। बाहर निकलो। Let's go.
बता कुत्ते, वो काशी और प्रलय कहाँ मिलेंगे? बता। वो तो अमरनाथ धाम गए हैं, उनकी अमरनाथ धाम उड़ाने की प्लानिंग है। प्रलय, सारी तैयारी हो चुकी है ना? हाँ काटनी साहब, हमारे लोग मंदिर में बम लगा रहे हैं। जैसे उनकी तरफ से काम पूरा होने का सिग्नल मिला, रिमोट का ये बटन दबाते ही इतना बड़ा विशाल अमरनाथ धाम बम के धमाके के साथ रेत के ढेर में बदल जाएगा। तो कहा था कि तुम्हारे आदमी ने मार चुके होंगे, पर ये तीनों इधर कैसे आया? चिंता मत करो काटनी साहब, वो जहां भी आए मौत के मुंह में आए, देखता हूं मैं। अमीने, अब देखता हूं तुझे यहां से कौन बचाने आता है। सूरज, हाँ? अगर अपनी जीजा की सलामती चाहते हो तो चुपचाप तीनों भाई हथियार फेंक कर यहां आ जाओ। नहीं सूरज भैया, तुम मेरी परवाह मत करना। आते हो बहुत, क्या गोली मार दो इसका। अरे वाह,
घेर लो सबको। अब देखता हूं तुम्हारा अमरनाथ तुम्हें कैसे बचाता है। तूने मुझे बहुत तकलीफ दिया है साले। कहीं ये गोलियां नकली तो नहीं यहाँ? बिल्कुल असली है सर। What are you saying? देखा, अपना आदमी मर गया। प्रलय, इन गोलियों से हमारा आदमी मरा है। सूरज और चंद्र क्यों नहीं मर रहा है? मालूम नहीं सर। अरे देखते क्या हो, खून डालो सबको। Shoot them! पशूनां पतीनां पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य रोक लो इनको। प्रसादं वरे रोक लो। पशूनां पतीनां पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्रिं वसानं वरेण्यं जटाजूटं मध्ये स्फुटवाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। पशूनां पतीनां पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्रिं वसानं वरेण्यम्। पशूनां पतीनां पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्रिं वसानं वरेण्यम् यथाजुष्टमध्ये। क्यों उठता क्यों नहीं है? ब्लास्ट क्यों नहीं हो रहा है? विभुम विश्वनाथम विभूतं भूषम विरूपाक्षमित्रम प्रभु पंचवस्त्रम। पशूनां पतीनां पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्रिं वसानं वरेण्यम्। पशूनां पतीनां पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्रिं वसानं वरेण्यम् यथाजूटमध्ये स्फुटवाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्।
के भवन में अटका हुआ प्रभु उनका बेड़ा पार करे, उनका बेड़ा पार करे। पाते जाओ शुभ फल लेते जाओ ना, अमरनाथ जय भोलेनाथ, देवों के देव नाथों के नाथ, तुमको प्रणाम तुम्हारे धाम को प्रणाम, तुमको प्रणाम तुम्हारे धाम को प्रणाम। तीर्थों में तीर्थ प्यारा अमरनाथ धाम, धाम गुजरात में ये ललित लला, अमरनाथ की आरती भक्ति सहित गाती।